हाँ भाई, चलिए बात कर लेते हैं प्रिज्म के हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, डायग्राम बनाइएगा क्लास। क्लास, ज्यादा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की कि मुझे ही लग रहा है? इनोवेटिव आर्टरीज, ठीक है, या फिर इन्हें आप इनो माइनेट आर्टरीज के नाम से भी जानेंगे। इनो माइनेट आर्टरीज, ठीक है, इस नाम से भी जानेंगे।
बाकी छोड़ देते हैं। चलो हाँ भाई, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं क्लास इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसके जो भी आप लोगों ने पढ़ा था सेम वही है, कहीं कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। जब हम लोग बात करते हैं पिजन के बारे में तो 4 chambered हार्ट है, 2 auricle एंड 2 ventricle, ठीक है। 2 auricle में भी आप लोग जानते हैं दिस इज अ राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं। आपके ऑरिकल को जो एक दूसरे से अलग रखता है सेप्टम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, यानी कि इंटर ऑरिक्यूलर छिद्र के नाम से आप उसे जानेंगे, जिसके ऊपर कपाट उपस्थित होता है। वहीं वेंट्रिकल की अगर बात की जाए तो वेंट्रिकल में भी जो इंटर वेंट्रिकुलर अपर्चर मौजूद होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसी के आधार पर आपके पास लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये है आपका इंटर ऑरिकुलर ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन के बारे में बताया था वो चीज है। पल्मोनरी आर्टा के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें सिस्टमेटिक, कॉमन कैरोटिड एंड पल्मोनरी क्यूटेनियस आर्टरी प्रेजेंट थी, ठीक है। वहीं आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक वो प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ छिद्र पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से आपका राइट ऑरिकल आपके राइट वेंट्रिकल में खुले, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, ठीक है। तो अपने अपने आलिंद जो है जब अपने में निलय में खुलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। देखिए ऑरिकल से खुलने वाला एक छिद्र है जो कहाँ खुलेगा, वेंट्रिकल में, निलय में जाकर खुलता है, तो इसीलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। और इस अपर्चर के ऊपर मौजूद होता है एक कपाट, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। अब ये वॉल्व जो होते हैं क्लास, ये दो तरह के होते हैं, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड, अगर हम लोग बात करें आपके राइट ऑरिकल के बारे में, ठीक है। तो जब राइट ऑरिकल आपके राइट वेंट्रिकल में खुलता है तो वहां उपस्थित होता है ट्राइकैप्सिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकैप्सिड, क्योंकि ट्राइकैप्सिड हमेशा राइट वाले एरिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलता है जब, ठीक है, तब वहां पर हमेशा 3 flap का बना हुआ वॉल्व प्रेजेंट रहता है। आप लोग जानते हैं एक अपर्चर के थ्रू खुलते हैं ये सब चीजें, और ये अपर्चर के ऊपर एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, इतना तो जानते हैं। अब जब वो वॉल्व जो है वो 3 कपाटों का बना हो, 3 पट्टों का बना हो अगर, ठीक है, 3 flaps जिन्हें आप बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइकैप्सिड। ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो जब वो कपाट जो है वो 3 पट्टों का बना हो तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं ट्राइकैप्सिड। लेकिन जब आपका लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट आपके वेंट्रिकल में खुलता है जब, ठीक है, तो वहां पर जो कपाट उपस्थित होता है छिद्र के ऊपर वो हमेशा 2 पट्टों का बना होता है। कितने पट्टों का, 2 पट्टों का, इसीलिए उसे हम बोलते हैं बाइकैप्सिड वॉल्व, ठीक है। अब ये बाइकैप्सिड वॉल्व और ट्राइकैप्सिड वॉल्व जो है हमेशा वेंट्रिकल में उपस्थित आपकी कॉर्डी टेंडिनी के साथ जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, कॉर्डी टेंडिनी, यही बताया था थोड़ी देर पहले, ये देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है। और ये कॉर्डी टेंडिनी जुड़ी होती है वेंट्रिकल की पैपिलरी मसल्स के साथ, पैपिला मसल्स होती है ना, उनके साथ जुड़ी रहती है हमेशा, जिसकी वजह से ये फ्लैप हमेशा पैपिलरी मसल्स से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉर्डी टेंडिनी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, पैपिलरी मसल्स क्लियर हुआ आप लोगों को, लेफ्ट प्री कैवल पोस्ट वॉल्व राइट प्री कैवल जानते हैं आप लोग, 3 महाशिराएं उपस्थित होती हैं, 2 प्री कैबिन और 1 पोस्ट कैबिन, इसमें तो कहीं पर कोई चेंजेस नहीं है, ये तो सब एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ओनली प्री कैबिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये राइट वर्ड जो है भाई, यहाँ पर लेफ्ट है तो ऑब्वियसली सी बात है दिस इज अ राइट पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ राइट प्री कैबिन, ठीक। पोस्ट कैबिन प्रेजेंट होता है इस अपर्चर के बारे में बता ही दिया गया, ठीक है। इसी के ऊपर तो 3 septum यानी 3 पट्टों का बना हुआ वो होता है कपाट, ठीक है। और सेमी ल्यूनर वॉल्व तो आप जानते ही हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व आपके राइट ऑरिकल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर एक खास बात और बता देते हैं क्लास, देखिए, और यही बात आपको खरहे में भी सुनाई देगी। खरहा मतलब रैबिट में। जब हम लोग बात करते हैं आपके ओरिकल के बारे में, मतलब आलिंद के बारे में, तो यहाँ पर आलिंद को एक दूसरे से अलग करता है जो सेप्टम, ठीक है, एक छिद्र के द्वारा अलग होते हैं ये सब चीजें, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास में एक छिद्र और पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, छिद्र, जिसे हम बोलते हैं फोसा, ठीक है, क्या बोला जाता है, फोसा ओवेलिस बोला जाता है। और ये फोसा ओवेलिस जो है ये हमेशा जब भ्रूणावस्था होती है, खरहे में बात करें और या फिर आप फिजिकल बात करें, तब ये हमेशा काम का रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके राइट ऑरिकल में ब्लड जो है वो लेफ्ट क्यूए से चला जाता है एक छिद्र की वजह से ये, ठीक है। लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पे छिद्र कहाँ पर है, जहाँ पे सेप्टम था वही तो उपस्थित है ये छिद्र, लेकिन जैसे जैसे जन्म होता जाता है ये, लेकिन ये छिद्र उपस्थित क्यों होता है, पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। ये छिद्र यहाँ पे इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि भ्रूणावस्था में बहुत जल्दी लंग्स डेवलप नहीं होती हैं, सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है, पता है ना, जब सबसे पहले क्या बनता है आपका, हार्ट का विकास होता है, ठीक है, लंग्स तो बहुत बाद में जाकर बनते हैं, नहीं सबसे पहले हार्ट बनता है बच्चे का, ठीक है, हार्ट बन जाता है आपका कुछ 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बन जाता है, इसलिए डॉक्टर भी है ना, हाँ डॉक्टर हार्ट बीट सुनता है उसकी, इसलिए बता कर पाता है कि हाँ प्रेगनेंसी में बेबी जो है वो ठीक है या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, तो हार्ट पंपिंग करता है उस दौरान। तो जब स्टार्टिंग में लंग्स है ही नहीं भ्रूणावस्था में, तो जो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल, उसमें जाएगा, ठीक है ना, वेंट्रिकल की तरफ, तो इसीलिए ये ओरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाने के लिए ये फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जैसे ही ये भाई जन्म हो जाता है बच्चे का, तो ऑब्वियस सी बात है लंग्स है उसमें, ठीक है, तो अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाता है, अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है ना। हम सांस लेते हैं, हमारी सांस में ऑक्सीजन जो होती है जब वो हमारे ब्लड में जाकर मिलती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तब वो अशुद्ध रक्त जो होता है वो शुद्ध में बदल जाता है, ठीक है, तभी तो उसको पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको अंदर लेकर आती है अशुद्ध रक्त को। क्लियर होगा इतना तो, ठीक है, तो यहाँ पे छिद्र वाली बात क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर हुआ, किसी को परेशानी, हाँ हाँ यही स्थिति रहती है, कब एवीज के में एवीज का हो रहता है, हाँ, लेकिन जब हम लोग रैबिट की बात करेंगे तो पूरा मैमल का जो हार्ट होगा हम रैबिट में पढ़ते हैं, सेम वही चीज ह्यूमंस में रहती है, ठीक है। देखिए चलिए जी क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।